स्टूडियो में मिनिएचर आर्टिस्ट मौजूद हैं जो एनसीए से ग्रेजुएट हैं और मिनिएचर पेंटिंग्स में पाकिस्तान के कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, कोशिश करते हैं, इंटरनेशनली बहुत से मैगजीन्स में उनका काम भी पब्लिश हुआ है। अहमद जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अहमद, क्या हाल चाल है? थैंक यू सो मच अहमद फॉर कमिंग। कैसा लगता है पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट करना और एक ऐसी चीज़ जो हम सब की बहुत प्यारी है उसको इंटरनेशनल लेवल पर जाकर उसको आपका काम जो ऑब्वियसली पब्लिश होता है तो पूरी दुनिया देखती है? देखिए, ये मतलब एक बहुत एक इस तरह की चीज़ है कि जो जिसके साथ हमारी रूट कनेक्टेड है, कि जो हमारा कल्चर है और सारा कुछ, तो उसको पेंट करना और उसके बाद उसको एग्जिबिट करना, मतलब बहुत उस तरह से ये मुश्किल काम है या नहीं है? बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, मेरा काम बहुत सिंपल है। जब मिनिएचर पेंटिंग जिस टाइम की पर हो रही थी, उसका मेजर एसेंस डॉक्यूमेंटेशन था कि वो उस एरा, मुग़ल एरा के उन मुग़ल बादशाहों को डॉक्यूमेंट कर रहे थे। तो मैंने इस एरा के अंदर, इस टाइम के अंदर डॉक्यूमेंटेशन शुरू की, जिसके अंदर मैंने चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया और उसके अंदर मैंने उन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया जो कि हम ट्रेडिशनली काम करते आ रहे हैं और जिसके अंदर हमारा कल्चर भी आता है, हमारा लाइफस्टाइल भी आ रहा है इस एरा का, मतलब हर चीज़ आ रही है ऑब्वियसली। तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली लेकिन अभी भी जो लोग मैं बहुत से मिनिएचर आर्टिस्ट से मिली हूँ या बातचीत हुई है, अभी भी नॉर्मली ये होता है कि उसी दौर को मिनिएचर फॉर्म में जो है वो दिखाया जा रहा होता है, उसी चीज़ को जो है वो उस मुगलिया दौर की झलकियाँ नज़र आ रही होती हैं बहुत से मिनिएचर आर्टिस्ट के काम में, लेकिन करंट सिनेरियो को दिखाना या उस कल्चर को दिखाना इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया? मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली मिनिएचर जो है, बेसिकली वो जाना जाता है उसकी अपनी स्टाइलाइजेशन की वजह से। उसकी स्टाइलाइजेशन के अंदर उसकी टेक्निक आती है, उसका पर्सपेक्टिव आता है और उसका स्टाइल आता है एक्चुअली, बिकॉज ये बहुत फ्लैट होता है। और इसके अंदर जो एक आर्टिस्ट होती है, उसकी कोशिश होती है कि वो बेसिकली आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं ना, तो आप उस ऐसा पर्सपेक्टिव दिखाते हैं जिसके अंदर आपको मैक्सिमम वो चीज़ नज़र आए। तो अब जिस टाइम हम काम कर रहे होते हैं, उस टाइम के अंदर मेरा जो एक बहुत एक होता है देखने का नज़रिया, वो ये होता है कि जो चीज़ मैं पेंट कर रहा हूँ वो पेंटिंग से ज़्यादा एक डॉक्यूमेंटेशन लगनी चाहिए कि जिसके अंदर उसकी मैक्सिमम चीज़ नज़र आए। एक टेबल है तो उसको मैं उस व्यू से दिखाऊंगा, पूरा सिनेरियो एक छोटी सी जगह पर एक छोटी सी चीज में उसको पेंट करना बहुत मुश्किल काम है। आई कम्प्लीटली अग्री विद यू। तो वो कोशिश होती है कि मैक्सिमम सिनेरियो भी दिखाया जाए और वो मिनिएचर फॉर्म से बाहर भी ना जाए। सो मैं, हम लोगों ने आपके काम का एक मोन्टाज जो है वो तैयार कराया है। सो मैं चाहती हूँ कि जैसे ही हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएं, उससे पहले मैं आपका काम जो है वो लाहौरियों को दिखाना चाहूंगी किस तरीके से आप ये मुश्किल मरहला जो है वो सर करते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन इट्स मोन्टाज। जी, मोन्टाज आपने देखा और बहुत ही डिफरेंट तरह की पेंटिंग्स जो हैं वो नज़र आई। तो ये आइडिया जो था, आपको लगा कि एक्सेल करेगा कि अगर मैं इस तरह की पेंटिंग्स मिनिएचर फॉर्म में दिखाऊं तो लोग इसको पसंद करेंगे? बेसिकली मेरा मकसद ही यही था कि इस टाइम के पर जितना
कंटेम्प्रेरी मिनिएचर होना शुरू हुआ था उसके अंदर बेसिकली उसकी वो फील ख़त्म होती जा रही थी। तो मेरे काम इस तरह करने का मकसद ही यही था कि मैं बैक इन टाइम जाऊं और उसकी जो एक वो ख़ास स्टाइलाइजेशन है, वो उसकी जो अपनी टेक्निक है और उसका जो एक जिसको देखने का उसका जो एक विजुअल है, उसको मैं उसी तरह से पेंट करूँ। तो मैंने फिर इसको उसी तरह से पेंट करना शुरू किया जिस तरह से आपने एक पेंटिंग देखी होगी, इसके अंदर ही मैंने दिखाया था। ये बेसिकली एक कमीशन वर्क था जो कि मेरा पब्लिश हुआ था हार्पर मैगजीन न्यूयॉर्क के अंदर। तो बेसिकली मुझे वो दिया ये गया था कमीशन वर्क, वो मेरे टीचर के थ्रू मुझे मिला था। उसके अंदर था कि मैंने वो मिनिएचर क्लासरूम पेंट करना था जो मेरा अपना क्लासरूम है एनसीए का। अच्छा, तो वो अब जिस तरह कि आपने उसको देखा इस पेंटिंग के अंदर, उसके अंदर मैंने मैक्सिमम उसको दिखाने की शो किया कि वो एक दो बेसिकली ऊपर और नीचे का व्यू है, ग्राउंड फ्लोर है, टॉप फ्लोर है, जिसके ना ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक बंदा है जो कि शीट तैयार कर रहा है, उसको बर्निश कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है पेंट करने के लिए, और ऊपर वाली साइड के ऊपर टीचर्स बैठे हुए हैं जो कि एक ज्यूरी ले रहे हैं, जो कि काम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली वो एक सिनेरियो दिखाना कि जिसके अंदर आप बेसिकली कोई एक्टिविटी दिखा रहे हैं, ये सारा एक एसेंस भी था मैनेजर का और उसी को मैं आगे लेके चल रहा हूँ। बिल्कुल सही। तो वो जब पब्लिश हुआ था, एप्रिसिएशन मिली उस चीज़ की? मैं उस टाइम बहुत एक्साइटेड था, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो इंटरनेशनली पब्लिश होना इज अ ह्यूज थिंग, और मेरा वो थीसिस से भी पहले काम था। आई वाज इन माय थर्ड ईयर जब वो काम पब्लिश हुआ था। अच्छा, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, थीसिस में आपका क्या सब्जेक्ट रहा और आपने क्या? एक्चुअली मेरा थीसिस ड्राइव ही यहीं से हुआ था। ये काम एक्चुअली मुझे कमीशन वर्क मिला था मेरे टीचर के थ्रू, और वहाँ से फिर ये काम मैंने ऑब्वियसली जब मेरी थर्ड ईयर की ज्यूरी उसके अंदर मैंने काम दिखाया और ये काम काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया, तो वहाँ से फिर मेरे थीसिस इंस्ट्रक्टर ने कहा कि तुम इसी काम को लेके आगे चलो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो एक सेंस है स्टाइलाइजेशन की, कि तुम एक सिनेरियो को, एक स्टोरी को, एक इमेज, एक पिक्चर के अंदर अगर डिपेक्ट कर सकते हो तो तुम इसी चीज़ को लेके चलो। बिल्कुल सही। और ये बड़ा मुश्किल होता है, करना स्टार्ट ये बड़े कम लोगों में ये आर्ट होता है कि आप पूरा एक सिनेरियो एक छोटी सी जगह पर उसको आप पेंट करके जो है वो उसको दिखाएं। सो पेंटिंग के लिए आप कौन सा मीडियम इस्तेमाल करते हैं, क्या कौन सा पेंट इस्तेमाल किया जाता है? एक्चुअली मिनिएचर का एक बहुत ही डिफरेंट थोड़ा सा है कि मिनिएचर बेस्ड ही टेक्निक के ऊपर करती है। बिल्कुल। इसके ऊपर आर्टिस्ट अपना ब्रश से लेके पेंट तक सब कुछ खुद तैयार करता है। जो मिनिएचर का ब्रश है वो भी मैं खुद तैयार करता हूँ। अच्छा। और ये बेसिकली आप स्क्विरल टेल के जो हेयर हैं उनसे ये प्रिपेयर किया जाता है। हम स्क्विरल पकड़ते हैं और उसके बाद उसके टेल के बाल काटते हैं और उसके बाद उसको प्रिपेयर किया जाता है। एक्चुअली खुद करते हैं और वो एक इंसानी एक बाल के जितना बारीक होता है। अच्छा। जिसकी वजह से आप उसकी इतनी डिटेल निकालते हैं। हाँ। और उसके बाद जो पेपर है वो भी खुद प्रिपेयर किया जाता है, और इसी तरह जो उसका कलर है वो भी खुद प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि आम चीज़ों से वो नहीं, आप उतनी डिटेलिंग जो है जी वो नहीं कर सकते। बिकॉज जो पेंट इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली होते सिंपल वाटर कलर्स ही हैं, लेकिन उसके अंदर मजीद जिंक ऑक्साइड ऐड किया जाता है और गम अरेबिक डाली जाती है। गम अरेबिक उसके अंदर डाली जाती है ताकि उसके अंदर उसकी जो पेपर को पकड़ने का जो एक वो है उसकी स्टिकनेस वो ज़्यादा हो जाए, और उसके अंदर जिंक ऑक्साइड डाला जाता है क्योंकि वाटर कलर्स आपको पता है। अच्छा, ये हर मिनिएचर आर्टिस्ट को करना पड़ता है? ये हर मेजरली सारे मिनिएचर आर्टिस्ट यही करते हैं। अच्छा। क्योंकि वाटर कलर्स बेसिकली ओपेक नहीं होते, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो आप जब उसके ऊपर पेंट लगाते हैं तो वो नीचे उसकी जो सरफेस है वो नजर आती है। तो जिस टाइम आप उसके अंदर जिंक ऑक्साइड ऐड करते हैं तो वो ओपेक हो जाते हैं, वो थिक हो जाता है, और वो जो आपने डॉट लगाया वो वहीं पर एग्जैक्टली वो फिर पोस्टर कलर्स की तरह हो जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा अहमद, कितना एज अ करियर अगर मैं पूछूं कि फाइन आर्ट कैसा है तो आप क्या कहोगे? क्योंकि बहुत से लोग अभी भी जनरली ये सोचते हैं कि अगर किसी को फाइन आर्ट में जाना है तो उसका कोई करियर एज सच नहीं होगा, या अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क जो है वो रहेगा, उस पर आप क्या कहोगे? अच्छा, ये एक वो क्वेश्चन है जो कि मोस्टली एक आर्टिस्ट से पूछा जाता है, और वो सबसे पहले शुरुआत आपके अपने घर से ही होती है, कहीं बाहर से नहीं। तो बेसिकली
इसके पीछे मैं एक स्टोरी है अपनी, मैं अपना एक पॉइंट बता सकता हूँ जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया. एक्चुअली मेरे डैड चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूँ, तो मैं फोर्सफुली मुझे मेडिकल और पहले FSC के अंदर डाला गया और उस तरह से किया गया. और उसके बाद एक दिन वैसे ही लाइट गई हुई थी और मैं पेपर के ऊपर ड्राइंग कर रहा था अखबार. आपकी ड्राइंग और पेंटिंग शुरू से अच्छी थी? शुरू से अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने अपने आप को एक्सप्लोर उस टाइम पे किया और मैंने वो रैंडम एक ड्राइंग बनाई जो कि अच्छी बन गई. तो मेरी बहन आई, उसने कहा कि तुम क्यों मेडिकल या तुम इंजीनियरिंग साइड के ऊपर जाना चाह रहे हो, जब तुम्हारे पास एक स्किल है तो तुम इसको यूटिलाइज करो, तुम किसी फैशन कॉलेज या किसी आर्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जाओ. उस टाइम के पर मुझे पता चला कि इस तरह की कोई चीज़ भी है कि आपको कोई यूनिवर्सिटी है जो इस चीज़ को सिखाती है और सारा कुछ करती है. तब मुझे सजेस्ट किया गया कि मैं एक स्टूडियो ज्वाइन करूँ ड्राइंग का, और उस स्टूडियो का नाम है आर एम स्टूडियो. वो मैंने ज्वाइन किया और वहाँ पे मैंने ड्राइंग करना स्टार्ट किया. और घर वालों की सपोर्ट थी क्या? घर वालों की बिल्कुल पहले सपोर्ट नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी. और उसके बाद विद टाइम वो थोड़ा एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि जिसके बाद उन्होंने भी मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया. तो जब मैंने ये स्टूडियो के अंदर ड्राइंग शुरू की, उस टाइम के ऊपर जब मैं वापस आया तो सबसे पहला इख्तलाफ घर से शुरू हुआ कि तुम क्या कर रहे हो और तुम किस तरह से सारा कुछ करोगे. और मेरे भी दिमाग के अंदर बात है कि कल को मेरी अर्निंग क्या होगी, मैं कमाऊँगा किस तरह से और सारा कुछ किस तरह से होगा. अगले दिन मैं उसी तरह वो सवाल लेके जो मेरे टीचर थे सर नहीं, मैं उन्हीं के पास पहुंच गया. मैंने कहा सर मुझे बात बताएं, ये आर्टिस्ट कमाता भी है कि ऐसे ही बैठा रहता है? तो उस टाइम वो मेरा काम चेक कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने मुझे एक लुक कराई और कहा मेरा दिमाग ख़राब है, ये जो 4 लाख रुपए की मैंने पेंटिंग खरीदी है जो पीछे तुम्हारे लगी हुई है. उस टाइम मुझे हुआ कि अच्छा, कि मतलब किसी ने पेंटिंग खरीदी है. उसके बाद उन्होंने कहा कि ये नई एग्जीबिशन है, इसकी यहाँ पे ओपनिंग है तो आप ज़रूर आइएगा. अच्छा, वो मेरे ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस था जब मैं एक एग्जीबिशन के ऊपर गया. और उस एग्जीबिशन के ऊपर गया और मैंने उसी तरह जिस तरह से वो सारे आपको दिया जाता है एक जिसके अंदर सारी प्राइस लिस्ट होती है, वो प्राइस लिस्ट लेके मैं एग्जीबिशन देख रहा हूँ. और जैसे मैं प्राइसेस पढ़ रहा हूँ और उससे मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार ये कौन खरीदेगा, मतलब इतनी महंगी है तो इसको कौन खरीदेगा. और जब मैं उसके पास जा रहा हूँ तो उन सारों के ऊपर रेड टैग्स लगे हुए. अच्छा, सोल्ड. तो उस टाइम के ऊपर मुझे पता चला कि अच्छा ये चीजें बिकती हैं, आर्ट की कदर है. बिल्कुल. फिर उस टाइम के ऊपर मुझे उन चीजों का पता चलना शुरू हुआ. फिर लेकिन उस टाइम के ऊपर मुझे उस तरह से सपोर्ट नहीं मिली. मेरे घर वालों ने कहा कि अच्छा चलो फिर तुम आर्किटेक्चर में चले जाओ. अच्छा. तो मैंने कहा चले मैं आर्किटेक्चर में सॉलिड जॉब. बिल्कुल. तो उसी तरह एक दिन मैं बैठा स्टूडियो के अंदर ड्राइंग कर रहा, तो सर नेम ने मुझे बुलाया और मुझसे पूछा कि तुम ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, मतलब तुम्हारा आगे क्या, तुमने कौन सी फील्ड के अंदर जाना है. तो मैंने कहा सर मैंने आर्किटेक्चर के अंदर जाना है. मैंने कहा कि यार आज मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, तुम एक बहुत अच्छे आर्किटेक्ट बन सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ जितने अच्छे तुम फाइन आर्टिस्ट बन सकते हो उतने अच्छे तुम आर्किटेक्ट नहीं बन सकते. तो वो उनकी मुझे बात इतनी क्लिक की कि उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैंने किसी और डिपार्टमेंट के अंदर अपना फॉर्म नहीं जमा कराना. मैंने फिर NCA में सिर्फ एक ही फॉर्म जमा कराया था, वो भी फाइन आर्ट्स का, वो भी ओपन मेरिट का. अच्छा. और तब से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो डिसअपॉइंट नहीं हुआ. डिसअपॉइंट नहीं हुए? आपका करियर बिल्कुल स्मूथली गया. NCA एक्सपीरियंस कैसा रहा? NCA का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. एक्चुअली एक बहुत मज़ेदार चीज़ है कि वहाँ पर डिफरेंट कल्चर के लोग आए होते हैं और वो एक ही क्लास के अंदर होते हैं और एक बहुत अच्छा वो एटमॉस्फेयर बना होता है. कुछ हमारे दोस्त बलूचिस्तान से आए होते हैं, कुछ कोयटा से आए होते हैं, कुछ सिंध से आए होते हैं, कुछ पंजाब से होते हैं. तो एक वो बड़ा मज़ेदार सा एक मिक्सचर बन जाता है. मिक्सचर बन जाता है, आपको हर तरह के लोगों का के साथ इंटरेक्शन होता है और बहुत अच्छा एक मज़ेदार एक्सपीरियंस होता है. बिल्कुल सही. अभी आपके आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मैं ऑनेस्टली मैं पेंटिंग तो कभी भी नहीं छोड़ने वाला, बिकॉज ये एक चीज़ है जिससे मुझे एक बहुत अच्छी पहचान मिली है और मुझे बहुत एक अच्छा सारा कुछ सपोर्ट भी अब मिल रही है और उस तरह से. तो मैं पेंट आगे फ्यूचर में करता रहूँगा. पेंटिंग्स को आगे लेकर चलेंगे और कहीं इंटरनेशनली एग्जीबिशन करने का प्लान है? बिल्कुल. अच्छा, ठीक है जी. गुड लक फॉर दैट एंड आई रियली होप कि आप इसी तरह से अपने काम को, अपने पैशन को आगे लेकर जाएं और इसी तरह से पाकिस्तान के कल्चर को भी प्रमोट करें. क्योंकि जब आपका नाम आएगा, पाकिस्तान का कल्चर उसमें दिखाया जाएगा, तो पाकिस्तान का नाम जो है वो डेफिनेटली रोशन होगा. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग.